नमस्कार, आप देख रहे हैं CWB हिंदी न्यूज। वन टाइम सेटलमेंट योजना, एक मुश्त या 6 किस्तों में लौटाएं लोन की बकाया राशि तो सारा ब्याज माफ। हरियाणा सरकार ने महिलाओं के लिए महिला विकास निगम के ऋणों के बकाया ब्याज को माफ करने के लिए वन टाइम सेटलमेंट यानी OTS योजना शुरू की है, जिसके तहत महिला लाभार्थी मूल ऋण की पूरी बकाया राशि का भुगतान एक मुश्त या फिर 6 किस्तों में 1 जून 2022 तक लौटाता है तो उसका सारा ब्याज माफ कर दिया जाएगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी के द्वारा संसद में दिए गए 2 भारत वाले बयान पर हरियाणा के गृह मंत्री अनिल विज ने आज तीखी प्रतिक्रिया दी है। गृह मंत्री अनिल विज ने अपने ट्विटर अकाउंट से हिंदी में ट्वीट करते हुए लिखा है कि राहुल गांधी को एक भारत में 2 भारत नजर आना स्वाभाविक है, क्योंकि उनका पालन पोषण 2 संस्कृतियों में हुआ है। माँ सोनिया गांधी इटालियन थी तो वहीं पिता राजीव गांधी भारत के थे। वे इटली और भारत की संस्कृति में पलकर बड़े हुए हैं। उनकी सोच में हमेशा द्वंद्व रहा है। हरियाणा सरकार को झटका, निजी सेक्टर में 75% आरक्षण पर हाईकोर्ट ने लगाई रोक। पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय ने हरियाणा के निवासियों को निजी क्षेत्र यानी प्राइवेट सेक्टर की नौकरियों में 75% आरक्षण देने के हरियाणा सरकार के फैसले पर रोक लगा दी है। हरियाणा स्टेट एम्प्लॉयमेंट ऑफ लोकल कैंडिडेट एक्ट 2020 को हाईकोर्ट में चुनौती दी गई थी। हरियाणा अनुसूचित जाति एवं पिछड़ा वर्ग कल्याण विभाग द्वारा मकान मरम्मत के लिए आवेदन शुरू किए गए हैं। डॉक्टर BR अम्बेडकर आवास नवीनीकरण योजना का लाभ अब सभी BPL परिवारों को मिलेगा। अभी तक यह लाभ केवल अनुसूचित जाति के BPL परिवारों को ही दिया जा रहा था। हरियाणा सरकार द्वारा योजना के तहत घर की मरम्मत के लिए वित्तीय सहायता 50,000 रुपए से बढ़ाकर 80,000 रुपए कर दी गई है। पश्चिमी विक्षोभ के कारण बदला मौसम, हरियाणा में कई जिलों में सुबह से झमाझम बरसात, कल भी ऐसा ही रहने वाला है मौसम। हरियाणा में फिर मौसम ने करवट बदल ली है। बुधवार देर रात से ही चंडीगढ़, अंबाला, पानीपत, सोनीपत, कैथल, करनाल, कुरुक्षेत्र, चरखी दादरी, झज्जर, रोहतक, जींद सहित कई जिलों में हल्की से सामान्य बारिश के साथ साथ कई स्थानों पर ओलावृष्टि होने की भी सूचना है। महेंद्रगढ़ के आसपास हल्की बारिश की गतिविधियां देखने को मिली तो वहीं पूरे इलाके के साथ महेंद्रगढ़ पर 30 से 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवाएं भी चल रही हैं। NCR, दिल्ली, गुरुग्राम और इन स्थानों पर पूरा दिन रुक रुक कर बारिश की गतिविधियां जारी रहेंगी। टोक्यो ओलंपिक में गोल्ड मेडल जीतने वाले नीरज चोपड़ा को साल 2022 के लिए लॉरियस वर्ल्ड ब्रेकथ्रू यानी LWB ऑफ द ईयर अवार्ड के लिए नामांकित किया गया है। नीरज के अलावा 5 अन्य लोगों को भी इसमें जगह मिली है। वे केवल 2 भारतीयों में से एक है जिन्होंने व्यक्तिगत स्पर्धा में ओलंपिक में स्वर्ण जीता है। केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड द्वारा Term 2 परीक्षा के प्रारूप में बदलाव किया गया है। हालांकि CBSE ने परीक्षाओं की तिथि अभी घोषित नहीं की है, लेकिन विद्यार्थियों से लेकर बोर्ड तक इसकी तैयारियों में जुटा हुआ है। उम्मीद की जा रही है कि बोर्ड इस सप्ताह Term 2 परीक्षा के लिए डेटशीट जारी कर सकता है। इसके साथ ही Term 1 परीक्षा का परिणाम भी इसी सप्ताह जारी किए जाने की संभावना है। हरियाणा के बुजुर्गों को नहीं मिल रही बुढ़ापा पेंशन, दिसंबर महीने की पेंशन अभी भी अटकी। हरियाणा में बुजुर्ग सम्मान भत्ता यानी बुढ़ापा पेंशन लेने वाले बुजुर्गों को दिसंबर महीने का भत्ता फरवरी शुरू होने के बाद भी नहीं मिला है। इससे बुजुर्गों की परेशानी बढ़ गई है। करनाल जिला के समाज कल्याण अधिकारी ने बताया कि खाते में सम्मान पेंशन व अन्य लाभों को डालने का कार्य विभाग की चंडीगढ़ शाखा करती है। पेंशन डलनी शुरू हो चुकी है। बैंक वाइज पेंशन डलती है, शुक्रवार तक सभी बैंकों में पहुंच जाएगी। 3 आपराधिक मामलों में जेल में बंद डेरा सच्चा सौदा सिरसा के प्रमुख गुरमीत राम रहीम ने 3 सप्ताह की पैरोल मांगी है। इससे पंजाब की राजनीति में गर्माहट आ गई है। पिछले दिनों डेरा सच्चा सौदा ने बठिंडा के सलाबतपुरा में विधानसभा चुनाव को लेकर बैठक बुलाई थी। इसके बाद से ही यह कयास लगाए जा रहे हैं कि डेरा मुखी पैरोल मांग सकते हैं। हालांकि अभी पंजाब चुनाव में समर्थन को लेकर साध संगत ने कोई फैसला नहीं लिया है। हरियाणा में निजी स्कूल संचालकों की चेतावनी, अनुमति नहीं मिली तो 7 से खुद खोल देंगे स्कूल। हरियाणा की प्राइवेट स्कूल वेलफेयर एसोसिएशन ने घोषणा की है कि प्रदेश सरकार ने तुरंत सभी स्कूलों को खोलने की इजाजत नहीं दी तो राज्य में 7 फरवरी से अपने स्तर पर ही सभी स्कूल खोल दिए जाएंगे। बता दें कि कोरोना संक्रमण के कारण राज्य में अभी 10वीं से नीचे के स्कूल नहीं खुले हैं। इससे प्राइवेट स्कूल संचालक नाराज हैं तो वहीं स्कूलों को खोलने की मांग कर रहे हैं।